एक दिवसीय प्रवास पर रहे उपमुख्यमंत्री विभिन्न निर्माण कार्यों का किया शिलान्यास। उपमुख्यमंत्री अरुण साव एक दिवसीय प्रवास पर लोरमी नगर पालिका परिषद के कबीर भवन में शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित शिक्षा गौरव अलंकरण समारोह में शामिल हुए और 4.7 करोड़ के विभिन्न निर्माण कार्यों के भूमि पूजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया। उपमुख्यमंत्री साव ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर उन्हें नमन किया और सबको बधाई एवं शुभकामनाएं दी। डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे प्राचीन परंपरा में गुरुजनों का सम्मान रहा है और उन्हें सर्वोपरि स्थान पर रखा गया है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पान्य, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। उन्होंने कहा कि शिक्षक माता पिता के बाद बच्चों में अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा देकर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पौराणिक काल से समाज में जो हमारा मान सम्मान और गौरव रहा है, इस अवसर पर 293 विद्यार्थियों, खिलाड़ियों एवं शिक्षकों को सम्मानित किया। वहीं अधोसंरचना मद से 80 निर्माण कार्य के लिए 4.7 करोड़ रुपए से अधिक की भूमि पूजन किया। सितंबर पूरे देश में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज लोरमी में हमने शिक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन किया, जिसमें सेवानिवृत्त शिक्षक, उत्कृष्ट शिक्षक, राज्यपाल से पुरस्कार प्राप्त शिक्षक, प्राचार्यों का सम्मान किया और साथ ही साथ जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, ऐसे लगभग 200 खिलाड़ी और विद्यार्थियों का सम्मान आयोजित हुआ। बहुत उत्साह पूर्वक आज शिक्षक दिवस को हम सब ने मनाया है। जो संपूर्ण जीवन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का रहा, देश के विकास में, देश